हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी पटवारी फुल मॉक टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो है आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर सेक्शन से। जैसे जीके सेक्शन हो गया, उससे आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन और मैथ से 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब एक तरह से पूरा जैसे आपका पैटर्न आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसा ही यहाँ पर पैटर्न आपके लिए तैयार किया गया है ताकि एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, अब बात करें हिंदी सेक्शन की, तो जितना मैंने आपको अभी तक हिंदी का सेक्शन करवाया है, ठीक है, उसमें से ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ऐड किए हैं ताकि आपको ये ना लगे कि बाकी आपने नहीं पढ़ा है। बाकी इंग्लिश के भी मैंने और मैथ्स के भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पूरे सिलेबस से ऐड किए हैं और जीके के भी। जो आपका लेवल रखा गया है उसको मैंने अभी फिलहाल के लिए लो रखा है। रीजन उसका क्या है कि अभी आप लोग जो है वो सब तैयारी कर रहे हो, तो एकदम से अगर मैं टफ लेवल डालूंगा तो आपको मैं ये नहीं चाहता कि आप डिमोटिवेट हो कि अभी हमें कुछ नहीं आता है या हम तैयारी ही कर रहे हैं। तो ऐसा लेवल मैंने रखा है कि आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स आप जो है इसमें ले पाओ। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं अगर आप टेस्ट देते हो तो। ये चीज आपको मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है, कमेंट जरूर करना है आपने कि आपका 100 में से स्कोर क्या रहा है। ठीक है, कि कितना आपका स्कोर रहा है, कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि उसको एनालाइज करके जो है मैं आगे का पेपर आपका मॉक टेस्ट सेट करूंगा अगर आप चाहते हो। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, कोई बैकग्राउंड नॉइस आए तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, अपना सारा कंसंट्रेट जो रखिएगा वो मॉक टेस्ट पर रखिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर हम किसी भी चीज के डिटेल के बारे में बात नहीं करेंगे, ये एक तरह से मॉक टेस्ट है, तो हम मॉक टेस्ट की तरह क्वेश्चन और आंसर करेंगे। साथ साथ आपको आंसर देना है और एक तरह से आपको पूरा टाइम यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होंगे और आपको ये भी पता लगेगा कि आपकी तैयारी जो है कितनी है और आप किस सेक्शन में जो है वो वीक हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो हिंदी में है क्योंकि हिंदी में पेपर आता है। अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आपको क्वेश्चन याद रहे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में जो है वो किसकी है। इनमें से आपको आंसर चूज करना है और फटाफट कीजिएगा, वहां पर आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, बट यहाँ पर आपको जो है वो कम टाइम में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वहां पर आपके पास थोड़ा प्रेशर भी होता है। यहाँ पर अभी आप घर में रिलैक्स कर रहे हो, बैठे हो, तो उसी हिसाब से आपको जल्दी जल्दी करना है। हाँ, अगर आपको कहीं सोचने का टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति जो है दो प्रसिद्ध किस्में किसकी है ये आपको बताना है। तो ये है आपकी आलू की। सिंपल क्वेश्चन था, हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला खुम्भ मशरूम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा जिला है जो मशरूम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट सोलन। ये आई थिंक आपके दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, इजी थे, मैक्सिमम मैंने इजी ही ऐड किए हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला सेब उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। अब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कई बार हो जाती है, कोई कोई लगा देता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शिमला। ठीक है, सेब उत्पादन में जो है वो शिमला शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हिमाचल प्रदेश में कृषि क्षेत्र का जो है वो कितना प्रतिशत है, यानी कि कृषि क्षेत्र जो है वो कितना परसेंट पर है। तो वो है आपका 11% पर। ये जो भी क्वेश्चन है वो क्लर्क एग्जाम में, आपका नायब तहसीलदार में, इवन आपके HS वगैरह में भी जो है वो पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आम्रपाली और मल्लिका किसकी किस्म है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा आम्रपाली और मल्लिका जो है वो आपकी आम की किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मशरूम उत्पादन के लिए कौन सा शहर जाना जाता है। ठीक है, मशरूम उत्पादन, अब क्वेश्चन दो तरह से घुमा के आया, एक तो आया खुम्भ सिटी किसको कहते हैं, मशरूम को ही आपका खुम्भ कहते हैं। अब मशरूम उत्पादन के लिए कौन सा जो है आपका जिला जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका सोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में चावल उत्पादन में कौन सा जिला जो है वो शीर्ष पर है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है चावल उत्पादन में, तो चावल उत्पादन में है आपका कांगड़ा जिला शीर्ष पर। और मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बुक के बारे में बताइए कि बेस्ट बुक कौन सी रह सकती है, तो यहाँ ऊपर की तरफ एक वोट आ रहा है, वहां पर आप क्लिक करके बता दीजिए, क्योंकि एक नई बुक जो है वो आपके पटवारी के लिए आई है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा रिवीजन के लिए। तो अगर आप उस बुक के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पर वोट करके बता दीजिए यस कि नो, तो अगली वीडियो आपको उसी के ऊपर मिलेगी। ठीक है, बट बता जरूर दीजिएगा और साथ साथ आपका कमेंट करके आपने अपना स्कोर भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है। वेरी इजी क्वेश्चन, तो ये है आपका सिरमौर में। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है, अब जो प्लस टू करके निकले हैं उनके लिए ये भी इजी नहीं है क्योंकि उन्होंने पहली बार जो पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा लेवल इसको लो रखा गया। ठीक है, बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत बार पढ़ा होगा। सोनालिका किस फसल की किस्म है। सोनालिका आपको बताना है, किस्में वगैरह बहुत पूछी जाती है, तो सोनालिका है आपकी गेहूं की। उसके अलावा भी बहुत सारी होती है, वो आपको जरूर रीड कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अदरक उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है। अब सबसे ज्यादा अदरक आपका सिरमौर में होता है, बट यहां पर पूछा गया है कि नेशनल लेवल पर जो है अदरक उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो वो है आपका दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब यहां पर आपकी जो है वो इंडियन जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, और आपको ये पता भी होने चाहिए जरूरी। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग जो है वो किसकी पूजा करते थे। तो चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, और जो आपका सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, ठीक है, तो ये आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है वो कब हुई थी। ठीक है, इजी है, अगर आपने सिंधु घाटी के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो आज पता लग जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1922। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जातक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं। ठीक है, जो जातक है वो एक प्रकार की पुस्तक है, तो किसके साथ जो है वो जुड़ी हुई है, वो जुड़ी है आपकी बौद्ध के साथ, यानी कि बौद्धों की जो है वो पवित्र पुस्तकें होती है जातक। ठीक है, और कई बार कथाएं भी होती है, जातक कथाएं भी होती है, तो किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अशोक के पुत्र का नाम जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गया था। ठीक है, कौन था वो अशोक का पुत्र इनमें से जो श्रीलंका गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो उसका नाम था आपका महेंद्र, और इसके साथ थी संघ मित्रा। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसक आंदोलन की नीति के रूप में पहली राजनीतिक हत्या जो है वो करने वाले इनमें से कौन थे, तो वो थे आपके चापेकर बंधु। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया जो है कहां से प्रारंभ होती है, तो ये आपका जो पटवारी का एग्जाम 2016 का हुआ था उसमें पूछा गया था साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर है वो है मुंह मुख गुहिका। ठीक है, मुख गुहिका से होता है, और आपको ये हिंदी में ही याद करने पड़ेंगे क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो इंग्लिश में नहीं आता है। एक चीज और याद रखिएगा, देखिए आपके पास 2 घंटे का टाइम है, ठीक है, तो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए पूरी कि जो आपका पहला 1 घंटा होगा उसमें आप जीके इंग्लिश और हिंदी जो है आपकी कंप्लीट करोगे। रीजन क्या है कि जीके में आपको सोचना नहीं पड़ेगा अगर आपने पढ़ा है, इंग्लिश में भी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और हिंदी ऑब्वियस, अगर आपको इन तीनों सेक्शन में अगर आपको आता है तो आप यस लगाओगे, मतलब टिक सही लगाओगे, नहीं तो आप नहीं लगाओगे। ठीक है, तो अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी तो 1 घंटे में आपने इन सेक्शन को कवर करना है, बाकी जो आपका 1 घंटा बचता है उसमें आपको मैथ को टाइम देना है, क्योंकि मैथ आपके 25 क्वेश्चन है, आपको सॉल्व भी करने हैं, निकालने भी हैं, तो इस तरीके से अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो आपका ज्यादा टाइम जो है अच्छे से आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुख गुहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी धातु मोबाइल फोन की बैटरी में मुख्यतः इस्तेमाल की जाती है, ये भी पटवारी 2016 में पूछा गया, और ये चीज आपको पता भी होगी, आप सभी मोबाइल फोन यूज करते हो, इसका जो सही आंसर है वो है आपका लिथियम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये भी 2016 से है, कि निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, इनमें से आपको बताना है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी एक पूछा गया था, तो वो है आपका पेंट ब्रश। होता ये कंप्यूटर में ही है, बट ये कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, बाकी बेसिक C++ और जावा जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ल्यूकेमिया एक बीमारी है जो किससे संबंधित है। इसमें से आपको बताना है कि ल्यूकेमिया जो है आपकी कौन से पार्ट से संबंधित है, ठीक है, या कौन किस चीज से संबंधित है उसके बारे में आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 4th खून। ठीक है, जो आपका ब्लड होता है उससे रिलेटेड जो है आपकी ल्यूकेमिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुच्छल तारा प्रत्येक 76 साल बाद दिखाई देता है। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर्स है कि कौन सा पुच्छल तारा दिखाई देता है, तो उसका नाम है आपका हेलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड, विश्व की सबसे लंबी साल्ट केव जो है हाल ही में ही कहां पर मिली है। ठीक है, ये करंट अफेयर है आपका 2019 का, तो वो मिली है आपकी इजराइल में। ठीक है, आई थिंक ये 25 किलोमीटर लॉन्ग है, बाकी एक बार करेक्शन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, बट जो है आपकी वो इजराइल में है। नेक्स्ट है, युवा विज्ञान कार्यक्रम 2019 निम्न में से किस सरकारी संस्था द्वारा शुरू किया गया था। इनमें से आपको बताना है कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने युवा विज्ञान कार्यक्रम 2019 आयोजित किया था, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इसरो भी बोलते हैं आपका, उसने इसको अरेंज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 किलोग्राम एलपीजी रिफिल निम्नलिखित में से किस योजना के तहत जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। इनमें से आपको योजनाएं फाइंड आउट करनी है, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, कितने किलोग्राम का, 5 किलोग्राम का, ये भी याद रखिएगा एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे सास्कावा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है आपका प्रमोद कुमार मिश्रा को।
आंसर आपको साथ साथ देने हैं और कमेंट करके काउंट भी करते रहिएगा कितने आपके 100 में से कितने हुए हैं और वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दुबई में एशिया वन पत्रिका द्वारा ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 2018-19 पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है, इनमें से आपको चूज करना है, जल्दी से चूज कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हेमा दिवाकर। हेमा दिवाकर को जो मिला है वो मिला है आपका ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 2018-19 पुरस्कार। तो ये थे आपके जीके के क्वेश्चंस जो कि आपके 25 थे और आई होप आपके मैक्सिमम जो है वो सही रहे होंगे क्योंकि इतने इजी नहीं थे। हो सकता है किसी को थोड़ा बहुत इंडियन जीके में एक आधे क्वेश्चन में और करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम फंसी हो, ठीक है। बाकी जो आपके हिमाचल के थे वो बहुत ज्यादा ईजी थे, ठीक है। बाकी 25 में से आपके 20 प्लस तो होने ही चाहिए, बाकी ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। आप तैयारी करते रहिए, आपका बाकी कमेंट जरूर कीजिएगा आपका क्या स्कोर रहा है। अब बढ़ते हैं हिंदी की तरफ, ठीक है। तो जो मेरी हिंदी की सीरीज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी के ऊपर मैं 5 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो और अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपके हिंदी के 25 क्वेश्चन में से मैक्सिमम जो है सही होंगे जितना भी आपने पढ़ा है। सबसे पहला क्वेश्चन है पंकज किस प्रकार का शब्द है, ठीक है, पंकज, ठीक है, अच्छे से बताइएगा जो रेगुलर वीडियोस फॉलो करते हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को चेक कर सकते हैं हिंदी सेक्शन की। तो पंकज जो है वो आपका योग रूढ़ी शब्द है, ठीक है, क्यों है कैसे है ये मैं उन वीडियोस में बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अर्थ के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो अर्थ के अनुसार शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक, ठीक है, ये हो गए आपके दो, सही आंसर इसका दो है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है, तत्सम शब्द कौन से होते हैं इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अग्नि, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बाकी जो आपके मुहावरे वगैरह होते हैं लोकोक्तियां वगैरह होते हैं वो भी मैंने ऐड किए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं आपके चार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय किस भाषा का शब्द है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो विदेशी शब्द होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से लिए होते हैं, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कौन सा किससे लिया गया है। तो चाय जो है वो आपका चीनी शब्द है, तो ये याद रखिएगा चाय के साथ क्या डलती है, चीनी डलती है, तो चाय आपका चीनी शब्द है, यानी कि चाइना का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। भाववाचक संज्ञा आप सभी को पता है, तो राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी आपकी राष्ट्रीयता, तो सही आंसर है आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, ठीक है। अब यहां पर आपको देखना है कि कवि कौन सी संज्ञा है, तो कवि है आपकी जातिवाचक, क्योंकि ये पूरी जाति को डिनोट करता है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। तो आंसर होगा आपका सही 3। नेक्स्ट है जलना के लिए भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो जलना के लिए आपकी जो होगी वो होगी आपकी जलन, ठीक है, जब कोई मतलब जलता है कहीं पर तो वहां पर जलन होती है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं वाला याद रखिएगा नहीं है, तो वो है आपका सुंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निजत्व, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इस तरह के जरूर पढ़ लीजिएगा। निजत्व संज्ञा शब्द है, यानी कि कौन सी जो है वो संज्ञा है निजत्व, तो निजत्व है आपकी भाववाचक संज्ञा, यानी कि फोर्थ आंसर जो है आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिस सर्वनाम शब्द से स्वयं का बोध हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि जिसमें आपको ये पता लगे कि आप खुद से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो होता है आपका निजवाचक सर्वनाम, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट की बात करते हैं कोई या फिर कुछ कौन सा सर्वनाम है। अगर आपको किसी सेंटेंस में कोई पूछा जाता है या किसी सेंटेंस में आपको दिया है कुछ, तो वो कौन सा सर्वनाम होगा, तो वो होगा आपका अनिश्चय वाचक, ठीक है, यानी कि जिसमें आपको कोई पता नहीं है कि क्या पर्टिकुलर चीज आपको बताई जा रही है। नेक्स्ट है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है, मुझे यहां पर पूछा गया है, ये अंडरलाइन भी हो सकता है या किसी भी तरह से आपको दिया होगा, तो मुझे है आपका उत्तम पुरुष, यानी कि जो हम स्वयं के लिए यूज करते हैं वो। नेक्स्ट है चाय में थोड़ी चीनी डाल दीजिए वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा, यानी कि जो जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है वो आपका बताना है कौन सा विशेषण, तो वो है आपका परिमाण वाचक विशेषण, ठीक है। कई बार फर्दर आ जाता है कि निश्चित वाचक है कि निश्चित वाचक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सुंदर विशेषण की उत्तमावस्था क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उत्तमावस्था यानी कि कितना आगे तक है जो, ठीक है, तो इसकी होती है आपकी सुंदरता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं काला घोड़ा में कौन सा विशेषण है, इनमें से आपको बताना है जो काला घोड़ा आपके पास दिया गया है इनमें विशेषण कौन सा है, ठीक है, तो इसमें विशेषण है आपका काला, क्योंकि घोड़ा जो है आपकी संज्ञा है और जो संज्ञा की विशेषता प्रकट करता हो उसको कहते हैं विशेषण, तो वो है आपका काला, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको मैंने पूरा पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसे जाना ना जा सके, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक मतलब पूरे वाक्य के लिए एक शब्द, तो जिसे जाना ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, और यहां पर जो ऑप्शन है वो गलत हो गए हैं सारे,
क्योंकि ये मुझे लगता है ओवर प्रिंट हो गया है, तो उसका जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं आपका अज्ञेय। ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अज्ञेय याद रखिएगा, अज्ञेय अज्ञेय उसको बोलते हैं जिसे जाना ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोक्ष चाहने वाला उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो मोक्ष चाहता है तो उसको कहा जाता है आपका मुमोक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है मोक्ष चाहने वाला, और इसमें कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, तो मुमोक्ष, ठीक है, मुमोक्ष जिसको बोलते हैं वो होता है आपका मोक्ष चाहने वाला। नेक्स्ट की बात करते हैं, सामान्य रूप से किए गए प्यार को क्या कहते हैं। अब प्यार, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि प्रेम भी आपको लगेगा, स्नेह भी आपको लगेगा, रति भी लगेगा, या सभी भी हो सकते हैं। मैक्सिमम जो है सभी पे क्लिक कर देते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्नेह। ठीक है, जो सामान्य रूप से किए गए प्यार को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका स्नेह। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ बताओ। इजी है, अच्छे से पढ़िए उसके बाद जो है आंसर कीजिए कि तारे तोड़ लाने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो उसका होता है आपका असंभव काम करना। ठीक है, यानी कि ऐसा काम करना जो पॉसिबल नहीं है, तो उसको बोला जाता है तारे तोड़ लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अच्छे से पढ़िए इसको पहले। ठीक है, कि पौ बारह होना, आपने बहुत जगह सुना भी होगा कि पौ बारह होना, पौ बारह उसके पौ बारह हो गए, यानी कि उसको जो है वो खूब लाभ हो गया। ठीक है, खूब लाभ होना का मतलब होता है पौ बारह होना। नेक्स्ट है, ऊपर से नीचे उतरने वाला क्या कहलाता है। ठीक है, ऊपर से नीचे, अब ये आपने सेंटेंस में देखा होगा कि ऊपर से नीचे, अगर हम गिनती को ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे रखते हैं आपका अवरोही। ठीक है, यानी कि अवरोही क्रम, आरोही होता है नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ अवरोही। नेक्स्ट है, जो इस लोक से जुड़ा हो उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका एहिक। ठीक है, या फिर अपोजिट भी आ सकता है कि एहिक को क्या कहते हैं, जो इस लोक से जुड़ा हो, जो दूसरे लोक से जुड़ा हो, इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उत्मरण का क्या अर्थ है। ठीक है, उत्मरण किसको कहा जाता है, तो वो होता है आपका ऋण देने वाला। ठीक है, ऋण देने वाले को कहा जाता है आपका उत्मरण। नेक्स्ट है, छाती के बल चलने वाला क्या कहलाता है इनमें से। ठीक है, परजीवी हो गया, कांगी हो गया, उरग हो गया, निश्चर हो गया, निश्चर निशाचर होना था ये। ठीक है, तो छाती के बल चलने वाले को कहते हैं आपका उरग। ठीक है, तो ये थे आपके 25 हिंदी के क्वेश्चन, जो कि आई होप आपने सभी ने सही किए होंगे मैक्सिमम। बाकी मुहावरे वगैरह तो आपकी प्रैक्टिस के लिए थे, बाकी जितना मैंने पढ़ाया विशेषण सर्वनाम संज्ञा वो आपकी सही होनी चाहिए थी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो है आपका इंग्लिश का सेक्शन। तो यहाँ पर आपको बताने हैं सिमिलर, मोस्ट सिमिलर, सिनोनिम्स एक तरह से समझ लीजिए, या इनके सिमिलर आपको वर्ड बताने हैं कि कौन सा इनके सिमिलर होगा। सबसे पहला वर्ड है आपका कॉर्प्यूलेंट। ठीक है, कॉर्प्यूलेंट का मतलब होता है, मतलब यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, बट जो आप एग्जाम दोगे, ठीक है, तो एग्जाम में आपको मतलब खुद से पता करना होगा। तो कॉर्प्यूलेंट का मतलब होता है आपका मोटा, आपका चर्बी युक्त समझ लीजिए। ठीक है, या फिर गोलमटोल हो गया आपका। ठीक है, तो कॉर्प्यूलेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, अब इसका सिमिलर आपको यहां से फाइंड आउट करना है, इनको पढ़िए और इसका सिमिलर फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो इसका होता है आपका फोर्थ ओवेस। ठीक है, इसका मतलब भी आपका मोटा चर्बीयुक्त गोलमटोल होता है। देखिए, जब भी आप सिनोनिम एंटोनिम्स करते हो तो उनको पढ़ने का दो ही तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो आपकी रीडिंग हैबिट हो, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, या आप आर्टिकल पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो, तो आपको अच्छे से पता लग जाता है। दूसरा होता है आपका प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। ठीक है, जैसे हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, उसी टाइप से प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस होते हैं। अगर आपको इनको पता है बट आपको ये बिल्कुल डिटेल में पता होने चाहिए, तो आप जो है एंटोनिम सिनोनिम्स अच्छे से कर सकते हो। बाकी अगर आपकी रीडिंग हैबिट है, अगर आप न्यूज़पेपर डेली का पढ़ते हो, तो मैक्सिमम वर्ड जो है आपको याद आ जाते हैं। ठीक है, तो कॉर्पुलेंट का अपोजिट हो गया ओबेस। ठीक है, ये आपको फोर्थ याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं ब्रीफ। ठीक है, तो ब्रीफ के बारे में सभी को पता है। ब्रीफ क्या होता है, ब्रीफ का मतलब होता है आपका संक्षिप्त करना। ठीक है, अब इसका आप सिमिलर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब भी होता है किसी चीज को छोटा करना, ब्रीफ का मतलब भी होता है किसी चीज को संक्षिप्त करना या छोटा करना। तो ये होता है सिनोनिम एंटोनिम्स का फंडा, कि अगर आपको ऊपर वाले का मीनिंग समझ आ गया तो आपको नीचे वाले का ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका इम्बेजल। ठीक है, तो इम्बेजल का मतलब होता है आपका गमन करना, किसी चीज का गबन करना, या फिर हड़प लेना। ठीक है, और इसका जो आपका सिमिलर होता है वो होता है मिस अप्रोप्रिएट। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं वेंट। ठीक है, वेंट का मतलब होता है निकास, यानी कि निकास हो गया आपका, या एक तरह से आपका जाने देना किसी चीज का। ठीक है, तो इसकी जो सिमिलर होगा वो होगा आपका ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग का मतलब भी होता है कहीं से खुला हुआ। ठीक है, और वेंट का मतलब होता है निकास। तो सिमिलर यहां पर पूछे गए आपके, तो ये आपका सिमिलर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहां पर आपसे पूछे गए हैं मोस्ट अपोजिट वर्ड। ठीक है, जो आपके अपोजिट होंगे यानी कि एंटोनियम्स, यहां पर आपको उल्टे बताने हैं विलोम शब्द। ठीक है, एनॉर्मस,
एनॉर्मस का मतलब होता है आपका बहुत बड़ा, विशाल जिसको बोलते हैं, ठीक है, या बहुत बड़ा हो गया। तो इसका आपको अपोजिट बताना है, तो इजिली आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो वो होगा आपका टीनी, ठीक है। सॉफ्ट का भी मतलब आपको पता है, एवरेज का भी पता है, वीक का भी पता है, तो यहाँ पर टीनी ही जो है इसका मतलब निकलेगा, इसका अपोजिट। नेक्स्ट की बात करते हैं कमीशन, ठीक है। कमीशन होता है कमीशन प्राप्त करना, ठीक है। तो इसका मतलब आपने बहुत सारे सुना होगा, सेना वगैरह में कमीशन होता है, कमीशन प्राप्त कर लिया, तो इसका मतलब जो अपोजिट होता है वो होता है आपका टर्मिनेटेड, ठीक है, निकाल देना। नेक्स्ट बहुत इजी, आपको पता ही होगा, आर्टिफिशियल यानी कि नकली हो गया, बनावटी हो गया, तो इसका अपोजिट जो होगा वो होगा आपका नेचुरल, ठीक है। बिल्कुल मैंने आपके बेसिक लेवल के यहां पर ऐड किए हैं ताकि आपको एक तरह से पता लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फलजिशस, ठीक है, इसका मतलब जो होता है वो होता है आपका एक तरह से क्रूर, समझ लीजिए आप, क्रूर व्यक्ति जो होता है, अति दुष्ट जो होता है, ठीक है, फलजिशस होता है वो। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा आपका इनोसेंट, ठीक है। तो इस तरह के जो है आपसे सिनोनिम एंटोनिम्स जो है वो पूछे जाते हैं, और ये तभी आपको होंगे अगर आप अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ते हो, या आपको प्रीफिक्स सफिक्स पता है, या फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए, बट उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कंजंक्शन फिल करनी है, ठीक है, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है। तो पहला सेंटेंस है, हिज हॉट चॉकलेट वॉज टू हॉट डैश ही पुट सम कोल्ड मिल्क इन इट, ठीक है। तो यहां पर इनमें से क्या फिलअप होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, सो, ठीक है, यानी कि हिज हॉट चॉकलेट वॉज टू हॉट सो ही पुट सम कोल्ड मिल्क इन इट, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अगर आप सेंटेंस को पूरा बनाकर भी देखें तो आपको समझ आ जाएगा, आपने कभी सुना होगा, ठीक है। तो कई बार आपका ऐसे भी आंसर निकल जाता है अगर आपको पता भी ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश वी हैज एन अम्ब्रेला वी गोट एक्सट्रीमली वेट, ठीक है। तो यहां पर आपको फिलअप करना है कि इनमें क्या आएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, दो, ठीक है, कि दो वी हैव एन अम्ब्रेला वी गोट एक्सट्रीमली वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आई ओनली पास माई एग्जाम डैश यू हेल्प, ठीक है। और यहां पर आप इजी, आप एक बार पूरे सेंटेंस को पढ़िए, फिर इसमें से फाइंड आउट करिए कि यहां पर क्या आएगा, कि आई ओनली पास माई एग्जाम डैश यू हेल्प, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बिकॉज, ठीक है, कि आई ओनली पास माई एग्जाम बिकॉज यू हेल्प, ठीक है, मैंने अपना एग्जाम इसलिए ही पास किया क्योंकि तुमने हेल्प करी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप सेंटेंस बना बना के करोगे तो भी आपका फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवर हंग्री डैश दे मेड सम सैंडविचेस, ठीक है। तो यहां पर आपका जो फिलअप होगा वो होगा आपका सो, कि देवर हंग्री सो दे मेड सम सैंडविचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वी कैन गो टू द पूल डैश वी कैन गो हॉर्स राइडिंग विच एवर यू प्रेफर, ठीक है। वी कैन गो टू द पूल और वी कैन गो हॉर्स राइडिंग विच एवर यू प्रेफर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपको आर्टिकल्स फिलअप करना है, यहाँ पर समवन कॉल्ड डैश पुलिसमैन, तो ये मैंने आप अपने एफबी पेज पर भी डाला था, ठीक है, कि समवन कॉल्ड डैश पुलिसमैन, तो इसका जो मैक्सिमम ने आंसर दिया था वो द दिया था, जो कि इनकोरेक्ट है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए, समवन कॉल्ड अ पुलिसमैन, ठीक है। नेक्स्ट है, जनरली स्पीकिंग डैश बॉयज आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन गर्ल्स, यहाँ पर आपको फिलअप करना है कि जनरली स्पीकिंग डैश बॉयज आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन गर्ल्स, तो यहां पर जो आएगा वो आएगा आपका कोई भी आर्टिकल्स नहीं, ठीक है, यहां पर सीधा आएगा ये, जनरली स्पीकिंग बॉयज आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन गर्ल्स, नो आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट है, यहां पर आपको प्रेपोजिशन फिलअप करनी है, शी स्पेंड द एंटायर आफ्टरनून डैश द फोन, ठीक है। अब यहां पर आप इजिली फिलअप कीजिए कि क्या आएगा, कि वो अपना पूरा दिन जो है वो फोन पर बिताती है, ठीक है, तो शी स्पेंड द एंटायर आफ्टरनून ऑन द फोन, ठीक है, तो यहां पर सही आंसर जो होगा वो फोर्थ होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, आई कांट वेट डैश 6:30, तो यहां पर आएगा आपका फोर्थ अंटिल, ठीक है, आई कांट वेट अंटिल 6:30। नेक्स्ट है, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग डैश बाइंग अ न्यू प्रॉपर्टी, अब इसमें क्या फिलअप करोगे आप वो जल्दी से फाइंड आउट कीजिए, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा इन, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन बाइंग अ न्यू प्रॉपर्टी। तो ये बिल्कुल इजी इजी है, इससे भी ज्यादा टफ वगैरह होते हैं, ठीक है, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, माय बेस्ट फ्रेंड राज इज नेम्ड डैश हिज ग्रैंडफादर, ठीक है। तो यहां पर जो लगेगा वो लगेगा आपका प्रेपोजिशन आफ्टर, यानी कि माय बेस्ट फ्रेंड राज इज नेम्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, ठीक है। बाकी भी आप यूज करके देखिए, आपके सेंटेंस का मतलब नहीं बनेगा, तो आफ्टर यहां पर यूज होगा आपका अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग यूज करोगे। नेक्स्ट है, माई पेरेंट्स हैव बीन मैरिड डैश 25 ईयर्स, ठीक है। तो यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर, यानी कि माई पेरेंट्स हैव बीन मैरिड फॉर
25 ईयर्स। अगर मैं आपको हर चीज की डिटेल समझाने लग गया तो आपका वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे प्रेपोजिशन के ऊपर, बट फिलहाल के लिए आपका मॉक टेस्ट है तो आपको मॉक टेस्ट की तरह ही यहाँ पर लेना है, आंसर करना है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव लाइक्स अ फूल। ठीक है, इस चीज को यानी कि एक्सट्रीम ओल्ड एज को जब कोई मैन बिहेव करता है फूल की तरह तो उस ओल्ड एज को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका डोटेज। ठीक है, याद रखिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जैसे उसमें थे हिंदी में। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ये आपको पता ही होगा इनकॉरिजिबल है, इसको कहते हैं जो जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज, ये तो सभी को ही पता होगा कि एंशियंट सोसाइटीज की स्टडीज को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी जो भी हिस्ट्री नहीं होगा आपका, कई बार हिस्ट्री टिक हो जाता है, आर्कियोलॉजी होगा आपका। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहां पर आपने बताना है कि कौन सी स्पेलिंग जो है इनमें से सही है, चारों आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है, तो जल्दी से आप स्पेलिंग पढ़िए और फाइंड आउट कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट, एफिशिएंट की स्पेलिंग जो है आपकी यहाँ पर सही है। ठीक है, और कई बार ये भी आ जाता है कि एफिशिएंट आपको मतलब कि चार स्पेलिंग्स दी होंगी, और यही आता है वैसे इसी तरीके से आता है कि चार स्पेलिंग आपको दी होगी, उसमें से आपको चूज प्रॉपर वे में जो अच्छी सही है वो चूज करनी। ठीक है, नेक्स्ट इनमें से भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है चूज करना है। ठीक है, सेम दी गई है सभी की और अलग अलग तरीके से गलत करके दी गई है, तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, ओमिनस। ठीक है, ओमिनस का मतलब होता है आपका अपशगुन। ठीक है, और एक तरीके ये बोल रहा था मैं कि एक तरीके इस तरीके से पूछी जाती है कि सेम स्पेलिंगों को गलत करके दिया गया है, और दूसरी पूछी जाती है अलग अलग स्पेलिंगों को डिफरेंट डिफरेंट वे में दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो ये थे इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन, आई होप आपके मैक्सिमम सही रहे होंगे, नहीं रहे तो आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कहां पर करनी है। अब चलते हैं आपके मैथ की तरफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं, यहां पर हम डायरेक्टली आंसर की बात करेंगे, सॉल्व हम किसी भी क्वेश्चन को नहीं करेंगे, आपको खुद से सॉल्व करना है। आपको लगे तो आप वीडियो को एक क्वेश्चन पढ़ के आप वीडियो को रोक सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फिर आंसर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी आप में से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ठीक है, विद आंसर आपकी कॉपी पर लिखकर, ठीक है, तो आप फेसबुक पेज पर उसकी इमेजेस जो है ग्रुप में सेंड कर सकते हैं पटवारी वाले में। ठीक है, तो आपकी बहुत ज्यादा महान कृपा होगी अगर कोई ऐसा करे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 87 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर आएगा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हो सके तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए और फिर सॉल्व कीजिए, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 427। ठीक है, वो आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है ए की आयु 36 वर्ष तथा बी की आयु जो है वो 16 वर्ष है, कितने वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु से जो है वो दुगनी हो जाएगी। ठीक है, चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ, चार वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है, पांच वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से ढाई गुनी हो गई है, तो मेरी आयु क्या है। ठीक है, आपको आयु बतानी है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपके पास फोर्थ, 45 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है तीन आदमी अथवा पांच औरतें एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, छह आदमी और पांच औरतें मिलकर इस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपके पास फर्स्ट, 4 डेज। तो ये आपको सॉल्व करने हैं, उसके बाद ही फाइंड आउट करने हैं, या फिर आप आंसर लिख लीजिए, क्वेश्चन भी लिख लीजिए, उसके बाद अपने पूरे सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट है 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो वो होगा आपका सेकंड, 2:1, अगर आप मिश्र अनुपात इनका निकालेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं ए और बी के रुपयों का अनुपात जो है 4:5 है तथा बी और सी के रुपयों का अनुपात 2:3 है, ए के पास 800 रुपए हैं तो सी के पास जो है वो कितने रुपए होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो अनुपात वाले क्वेश्चन होते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, 1500 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है यदि 40, 10, 25, 20, 35 और x का औसत 25 हो तो x का मान जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जब आप x का मान निकाल लोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 20, यानी कि x की वैल्यू आएगी आपके पास 20, तो इसको फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु जो है वो कितनी रह जाएगी। तो वो रह जाएगी आपकी, जल्दी से आंसर ऐसे भी आप फाइंड आउट कीजिए, तो वो रह जाएगी आपकी 24। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, ये आपको बताना है, तो वो होगा आपका थर्ड, 5.6। ठीक है, तो ये आपको हिंदी में पता होना चाहिए, स्पेशली उनके लिए जिनको इंग्लिश में पता है कि ऑड होते हैं, इवन नंबर होते हैं, तो हिंदी में उनको नहीं पता है कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है,
तो ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो ये चीजें आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक कुर्सी को 1144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य जो है आपको ज्ञात करना है कितना होगा, तो वो होगा आपका 880 रुपए। नेक्स्ट है, 7250 रुपए का 8% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज जो है वो क्या होगा, ठीक है, तो वो होगा आपका 116 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई धन 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाता है, वह धन क्या है, तो वह धन है आपका 1250। ठीक है, ये आपको जब निकालोगे तब आपको पता लगेगा। नेक्स्ट है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, ए और बी इकट्ठा होकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो टाइम एंड वर्क मैं आपको करवा चुका हूं, ए इतने दिनों में करता है, बी उतने दिनों में करता है, उनका एलसीएम लिया, ठीक है, फिर वन डे वर्क निकाला, फिर टोटल निकाल दिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा आपके पास 6। ठीक है, इसको करके देखिएगा। नेक्स्ट है, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा करता है, वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग जो है वो पूरा करेंगे, तो इसका जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 1/6। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके पास दिया गया है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन जो होती है तो इसको आप फाइंड आउट करना है कि 48% ऑफ 4800, ठीक है, ऑफ का मतलब होता है इनटू, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट 2606। वैसे तो आपके पास पॉइंट में आएगा बट यहाँ पर राउंड ऑफ करके दिया गया है, तो 2606 आपका आंसर होगा, इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है, आपके पास पूरा एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है कि क्या आएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4450, ठीक है, यानी कि 450। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, जहां पर आपका क्वेश्चन मार्क है वहां पर आपको फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट 11/7/16। तो इसको आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, और जो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा या जितने भी सॉल्व होते हैं वो एचपी जो आपका पटवारी का ग्रुप बनाया है मैंने एफबी पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाकर जरूर पोस्ट कर दे। आपको आता है तो आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है और जहां पर आपका मार्क दिया गया है क्वेश्चन मार्क वहां पर आपको फिलअप करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 4। नेक्स्ट बी सिंप्लीफिकेशन का है, ठीक है, जहां पर क्वेश्चन मार्क दिया है यहां पर आपको इसको पूरा सॉल्व करना है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 4252.787। इनको सिंपल सा प्लस ही करना है आपको, पॉइंट वाली पॉइंट के नीचे रखनी है बाकी औरों के नीचे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं कि एक गाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, इसकी चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, आपको पढ़ने में कंफ्यूजिंग लगेगा। आपको सिंपल सा क्या करना है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करते हैं वो आपको बस सीखना है, एक ही फॉर्मूला होता है इसका सिंपल सा। ठीक है, और इसका जो आपके पास आंसर निकल के आएगा वो आएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपके पास वो होगा आपका 30 सेकंड। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको प्लेटफॉर्म दिया होता है और रेलगाड़ी दिया होता है तो इनकी दोनों की लंबाई जो है आपस में प्लस होती है, फिर जाकर जो है आप आगे क्वेश्चन जो है अपना कंटिन्यू कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। पटवारी के प्रीवियस ईयर से ये क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 36% जब आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है, उसमें 125 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से फर्श बिछवाने की लागत क्या आएगी। प्रीवियस से ये क्वेश्चन पिकअप किया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 22,500 रुपए। इसको सॉल्व कीजिएगा उसके बाद फाइंड आउट कीजिएगा। नेक्स्ट है, आपके पास सिंपल सा दिया गया है, आपको ये पॉइंट वाले जो है प्लस करने हैं आपस में, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखिए सबसे अच्छा तरीका है, और यहाँ पर आपको मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा। इसका जो आपके पास सॉल्व करके आंसर आएगा वो आएगा 500.88। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 और 20 का तीसरा समानुपात क्या होगा। ठीक है, आपको समानुपात निकालने आने चाहिए और ये होगा आपका 40। तो ये थे आपके टॉप 100 क्वेश्चन, आपके एक तरह से मॉक टेस्ट थे और लेवल जो था वो थोड़ा लो रखा गया था। मैथ का लेवल हो सकता है कि सभी को समझ आए, क्योंकि मैथ जो है वो सभी का अच्छा नहीं होता है, इस तब भी जो है आपको क्वेश्चन का तरीका देखना है और फाइंड आउट उसको अच्छे से करने की कोशिश करनी है। जिसने भी जो भी जिसका भी स्कोर रहा है 100 में से वो जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितना रहा है। उसके बाद जिसको भी क्वेश्चन मैथ के जो भी इजी वे से आते हैं जिस भी तरीके से, तो पटवारी ग्रुप इसीलिए बनाया गया है, वहां पर अपनी आप इमेजेस जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है,
और साथ में क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दीजिएगा और क्वेश्चन ही लिख दीजिएगा यार, तो आपका ज्यादा भला होगा। बाकी वोट करके बताइएगा कि एचपी पटवारी की जो नई बुक आई है उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें सारा सिलेबस कंप्लीट दिया गया है, ठीक है। तीसरी बात, आपको कोई भी इसमें दिक्कत आई हो, कोई भी परेशानी आई हो, कुछ आप चेंजेस करना चाहते हो तो आप जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।